आपका क्लास चल रहा था 7 मार्च 1968 गुरुवार को, तीसरे पेज के मध्यांत में बात चल रही थी। श्रीमत्तम को किससे मिलती है? एक से मिलती है या दो से मिलती है? एक से मिलती है। कौन है एक है? उसका नाम क्या है? एक मुकर्रर रथ से मिलती है। मुकर्रर रथ है, जड़ है कि चैतन्य? अरे बताओ, उसे श्रेष्ठ मत मिलेगी जड़ से? है श्रेष्ठ मत जड़ से तो नहीं मिल सकती, तो जड़त तो बुद्धि है, पत्थर बुद्धि है। कोई नहीं बताएगा? शिव से मिलती है, निराकार से। निराकार जब तक मुख धारण न करे तब तक ईश्वर से मिलती है। ईश माने शासन करता और वर माने श्रेष्ठ। शिव किसी के ऊपर शासन करता है कि ओबीडियंट सर्वेंट बन के आता है? है? मुस्कराई रहा है। प्रजापिता से श्रीमत मिलती है, वाह भैया, सारी प्रजा जड़त्वमयी बुद्धि और उसका बाप भी पत्थर बुद्धि है। लो हाथ पांव बांध के बैठे। शिव बाबा से श्रीमत मिलती है। अरे पूछा कि एक का नाम बताओ किससे श्रीमत मिलती है? शिव से श्रीमत मिलती है। शिव तो निराकार, मेरी बिंदी का नाम शिव है, वो बिंदी से श्रीमत मिलती है। तुमको, तुमको माने एक को नहीं, तुमको माने तेरे को या तुमको, क्या कहा है? तुमको श्रीमत मिलती है। तो श्रीमत मिलती है परमपिता प्लस परमात्मा से, तुमको है? किससे मिलती है? परमपिता परमात्मा से। अच्छा, श्रीमत कहा जाता है उसको, जो तुमको आ करके श्रेष्ठ मत देते हैं, यानी श्री श्री मत से तुम श्रेष्ठ बनते हो। डबल श्री क्यों लगाई दिया है? श्री भक्ति मार्ग में किसका नाम है बताओ? लक्ष्मी का नाम है। वाह माता जी, श्री लक्ष्मी को कहते हैं, फिर उसे डबल श्री नहीं कह सकते? लक्ष्मी को कह सकते हैं कैसे? हा? उसको भी कोई देने वाला है? है तब देने वाला का नाम बताएंगे तभी तो डबल श्री हुई, नहीं? लक्ष्मी है तो उसको देने वाला जरूर विष्णु है। और विष्णु कब कहा जाता है? एक या दो को विष्णु कहा जाता है? दो को विष्णु कहा जाता है, चार को विष्णु कहा जाता है, अरे बजाओं को भी विष्णु कहा जाता है।
हाँ ये कहेंगे बच्चा माँ की या बाप की उंगली पकड़ता है तो क्या कहेगा कि मैंने अम्मा को पकड़ा कि नहीं पकड़ा, है अम्मा को पकड़ा, लेकिन वास्तव में बच्चे ने उंगली को पकड़ा कि अम्मा को पकड़ा, बाप को पकड़ा। बच्चे की जितनी अकल है वो तो नहीं बताएगा ना, तो अभी तो बापों का बाप बताने वाला अकल वाला बड़े से बड़ा बुद्धिमानों की बुद्धि आया हुआ है, वो बताता है कि तुम देह के अंग नहीं हो, तुम क्या हो, तुम तो आत्मा हो। तो बताया कि लक्ष्मी जो है वो भी तो क्या है, क्या है, गड्ढा है या ऊंचे से ऊंचे पहाड़ है? गड्ढा है, शास्त्रों में नाम दे दिया त्रिगर्त, गर्त माने गड्ढा, बड़े के बड़े गड्ढे कितने, तीन गड्ढे कौन कौन से होंगे पता है? बड़े से बड़े दुनिया के तीन गड्ढे कौन से हैं? है त्रिमूर्ति, तीन गड्ढे हैं। अच्छा, उनमें दो मूर्तियां पुरुष नहीं है, है? वो पुरुष गड्ढे हैं, पुरुष को गड्ढे कहेंगे, है? फीमेल प्लग कहेंगे, फीमेल प्लग को गड्ढा कहा जाता है, कहां गिरे, खड्ढे में गिरे। लापासा क्या लिख दिया है, लक्ष्मी जगदम्बा सरस्वती, ये तीन गड्ढे हो गए बड़े के बड़े है। जैसे कोई कहे कि भाई बड़े के बड़े सागर कौन से हैं, है ना, तो क्या कहेंगे, बड़े के बड़े सागर है। ऐसे तो महासागर तो कहते हैं कि सात महासागर, सात महाद्वीप हैं तो सात महासागर हैं, लेकिन उनमें भी बड़े से बड़े कौन हैं, सात नारायण। अरे जब सात के सात ही रह गए तो उनमें कहां बड़े से बड़े हुए, सात सागर और सात महाद्वीप। तो देखो सागर जो है जिनमें जल भरा रहता है वो बड़े से बड़े तीन सागर हैं ना दुनिया में, कौन कौन, प्रशांत महासागर अंदर से पूरा शांत रहता है, सिर्फ ऊपर ऊपर से ऊंची ऊंची लहरें मारता है या शांत अशांत रहता है, शांत रहता है अंदर से शांत, ऊपर से ऊंची ऊंची लहरें मारता है तो देखने वाले समझते हैं बड़ा है हड़कंप मचाए रहा है, नहीं तो वो हुआ प्रशांत महासागर। और दूसरा हिंद महासागर, अच्छा हिंद महासागर तो उतना नहीं है, उतना बड़ा तो नहीं है, क्या कहते हैं, हाँ उससे बड़ा तो अंध महासागर है, अटलांटिक महासागर नहीं है, है? प्रशांत महासागर के बाद बड़ा गड्ढा कौन सा है जिसमें बहुत जल भरा रहता है? अटलांटिक महासागर नहीं देखा, देखा है ना, हाँ? उससे बड़ा अगर सागर कहें तो प्रशांत महासागर को ही कहेंगे कि हिंद महासागर को कहेंगे, हैं? कहेंगे हिंद महासागर, तो हिंद जहां कहा जाता है वास्तव में हिंद महासागर नहीं कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए, भारत का
या हिंद का, ये तो हिंदुओं ने नाम रख दिया है तो हिंदुओं के आधार पर हिंदू धर्म का नाम के होने के हिसाब से उन्होंने हिंद महासागर नाम रख दिया। लेकिन वास्तव में भारत है, मूल रूप में भारत है या हिंद, भारत ये तो हिंद तो नाम विदेशियों का रखा हुआ है ना। विदेशी लोग आए, सिंधु नदी से गुजरते हुए आए तो सिंधु के आसपास रहने वालों को उन्होंने कह दिया सिंधु सिंधु हिंदू 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 हो गया, सिंधु से बिगड़ करके हिंदू हो गया तो नाम दे दिया हिंदुस्तान। लेकिन वो तो वास्तव में हिंद महासागर तो छोट नहीं देखा, नक्शा ही नहीं देखा, देखा है ना। हाँ तो तीन गड्ढे हो गए बड़े बड़े है जिनमें प्रैक्टिकल में ज्ञान जल भरा रहता है। प्रैक्टिकल में पहाड़ में भरा रहता है, चोटियों में भरा रहता है या गड्ढे में भरा रहता है, है? जो फीमेल प्लक है, फीमेल में से मेल ताकत लेता है ना, है? शिव, शिव को शक्ति कहा जाता है कि शिव की शक्ति अलग, शिव अलग शक्ति अलग, तो शक्ति मेल को कहां से मिलती है, पावर कहां से मिलती है, फीमेल से। अरे मेल प्लक को पावर कहां से मिलती है, फीमेल से मिलती है ना। हाँ फीमेल से मिलती है। तो यही बात है, ये तीन महासागर हैं, उनमें बड़े से बड़ा प्रशांत महासागर, जो प्रशांत महासागर है उसमें जल तो भरा हुआ है, ज्ञान जल भरा हुआ है ना, लेकिन वो ज्ञान जल जो है वो गहरे ते गहरा गड्ढा है, तो उसमें जल छोटा होगा या बड़ा होगा है? गहरे गड्ढे में, अरे गड्ढा नीचे को छोटा होता जाता है कि बड़ा होता जाता है, गड्ढा ऊपर को बड़ा होता है कि नीचे को बड़ा होता है, नीचे को बड़ा गड्ढा होता है, गहरा होता है, बाकी ऐसे थोड़े कि लंबाई चौड़ाई बड़ी होती है, बड़ी होती है हाँ, ऊपर बड़ा और नीचे छोटा। तो देखो ये बताया कि ये जो बड़े ते बड़ा प्रशांत महासागर है जिसमें प्रैक्टिकल में बहुत जल भरा हुआ है, ज्ञान जल, वो किस में भरा हुआ है, है? शिव बाप आएंगे, ज्ञान जल का भंडार भरेंगे तो कहते हैं सागर में ज्ञान जल रहता है, लेकिन सागर भी तो तीन गड्ढों से कनेक्टेड है कि नहीं, नहीं कनेक्टेड है। तो वो जो तीन गड्ढे हैं वो उनमें नाम किसका किसका देंगे, तीन गड्ढे माने तीन फीमेल प्लक। अच्छा तो तीन जो हैं स्त्री चोले उनके नाम बताओ, पहला नाम किसका देंगे, है पता ही नहीं चक्कर में पड़ गया, है लक्ष्मी को पहला नाम देंगे। अच्छा लक्ष्मी किससे लेती है शुरुआत में, है तब आगे बढ़ती है ज्यादा लेने के लिए, है शुरुआत कहां से करती है लेने की, है फिर जगदम्बा से लेती है ना, तो जिससे लेती है वो बड़ा हुआ या लेता है या देता है, दाता है, क्या है लेता है, क्यों लेता है, भले अधूरा लेती है और देने वाला भी अधूरा ही देती है, लेकिन फिर भी फाउंडेशन तो वही है ना, प्राइमरी स्कूल की कहानी वो पढ़ाई पढ़े बगैर कोई ऊपर की पढ़ाई पढ़ सकता है, ए बी सी डी आई ऊ का खा गा पढ़े बगैर कोई ऊपर की पढ़ाई पढ़ सकता है, नहीं पढ़ सकता ना। तो फिर बड़े ते बड़ा सागर कौन सा हुआ और उसका गड्ढा कौन हुआ, गड़े ते बड़ा सागर है प्रशांत महासागर, और जिसमें वो समाया हुआ है
आधार लेकर के वो बड़े से बड़ा गड्ढा हुआ कौन? तो हाथ पांव बांध के बैठी है जगदम्बा। हाँ, क्यों? क्योंकि उसमें धारणा शक्ति ज्यादा हुई या कम हुई है? कोई माता अपने पति का ही ध्यान दे, और पति ने माता को जिसलिए बनाया, माता बनाया ना पति ने, तो वो बात भूल जाए। पति ने माता को किस लिए बनाया? पिता ने माता किस लिए बनाई है? बच्चों की पैदाइश के लिए बनाई, बच्चों की परवरिश के लिए बनाई, और माता इस बात को भूल जाए तो माता को संपूर्ण माता कहेंगे कि अधूरी कहेंगे? क्या कहेंगे? अधूरी हुई ना। तो संपूर्ण माता कौन हुई? लक्ष्मी या जो उसको भी ABCD पढ़ाने वाली है, है? हाँ, तो ये तीन हो गई। एक हो गई जो सुनाती है। कौन? सुनना पहले होता है ज्ञान का या समझना पहले होता है? पहले क्या होता है? पहले सुनना होता है। तो जो सुनने वाला है और सुनाने वाला भी होगा, सुनने वाला है तो सुनाने वाला भी है, और सुनने वाला जो जगदम्बा है, पहले पहले सुनती है, वो पहले पहले सुन करके और सुनाते भी है। तो उसने अपना काम तो पूरा किया है, कोई सुने लेकिन सुनाए नहीं, तो उसको क्या कंजूस कहेंगे कि नहीं? कंजूस कहेंगे। तो सुना भी और सुनाया भी, जितना सुना उतना तो सुनाया ना। नहीं सुनाती है तो सुनाती है, तो जो सुनाती है वो फाउंडेशन का सुनाती है, है ना? और कोई स्टूडेंट प्राइमरी स्कूल के टीचर को भूल जाए और बड़े टीचर को ही बड़ा महत्व दे तो ये ठीक है? है? ये तो ठीक बात नहीं, क्योंकि जो फाउंडर है वो ही बड़ी चीज है ना। हाँ, तो फाउंडर जो है शिव बाप प्रजापिता को आकर के वर्षा देते हैं, है? काहे का? उसे ज्ञान का वर्षा देते हैं, अखूट ज्ञान भंडार का, जिससे विश्व की बादशाही मिलती है, मिलती है ना योग बल के द्वारा। तो बताया कि प्रजापिता से किसको वर्षा मिलता है? प्रजापिता से शिव को वर्षा मिलता है, प्रजापिता से जगदम्बा को वर्षा मिलता है, फिर जगदम्बा किसको देती है? जगदम्बा लक्ष्मी को देती है। तो लेने वाली हुई या दाता हुई? लक्ष्मी लेने वाली हुई ना, तो लेने वाला बड़ा या देने वाला बड़ा है? लेने वाला हाथ फंसा रहे और देने वाला ऐसे देता है, तो दाता हुआ ना, है ना? हाँ, वो गाते भी ऐसे ही है, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। देने वाला जो दाता है वो पुरुष है या स्त्री? जगदम्बा स्वभाव संस्कार से पुरुष है या स्त्री है? पुरुष है, तो बड़ा हुआ ना? नहीं हुआ है? हाँ, तो वो उस हिसाब से बताया कि वो बड़े से बड़ा तीन गड्ढे जो बताए, उनमें बड़े से बड़ा गड्ढा ज्ञान जल का फाउंडर वो तो हुआ जगदम्बा। और फिर उसके बाद है आंध्र प्रदेश को क्या कहेंगे? अंधरी की सोजरी है आदि लक्ष्मी, अंधरी की सोजरी। अरे कुछ कुछ दिखाई पड़ता हो वो अच्छा, या एकदम डब कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता, अंधी हो गई
वो अच्छा। अरे बताओ भाई, थोड़ा बहुत दिखाई पड़ता है, वो अच्छा है ना कि नहीं? अंधों में काना राजा बढ़िया है कि नहीं? सारे ही अंधे हैं, उनको तो राजा ही नहीं मिल सकती। देखो पांडव और धृतराष्ट्र दो भाई थे, है ना? धृतराष्ट्र बड़े थे, पांडव छोटे थे, लेकिन फिर धृतराष्ट्र को है जो विद्वान पंडित आचार्य थे हैं व्यास वगैरह, तो उन्होंने उनको राजा ही क्यों नहीं दी पहले? क्योंकि अंधे थे, अंधों को राज्य नहीं दिया जा सकता। दिया जा सकता है, है? राजा ही दी जा सकती है, दी जा सकती है कि नहीं? नहीं दी जा सकती। तो ये नियम हुआ कि अंधे से वो अच्छा जो जिसको पीलिया रोग हुआ पड़ा, पांडु को, पांडु रोग माने पीलिया जिसको हो जाए, सारा शरीर पीला पड़ गया, पक्का हो गया, पहले कौन मरेगा? अंधा मरेगा कि पहले पीलिया वाला मरेगा? पीलिया वाला पहले खत्म हो जाएगा ना, तो पांडु तो पहले मर गए। फिर भी राज्य तो पहले अंधे को नहीं मिलता ना, पांडु को ही मिलता है ना। तो यही बताया कि पांडु जो लक्ष्मी हुई वो पांडु की पत्नी हुई कि नहीं, है ना? हाँ, तो बताया कि ये श्रीमत जो मिलती है वो श्री श्री से मिलती है, सिंगल श्री से नहीं मिलती है। सिंगल श्री अपने स्वभाव संस्कार से है जगदम्बा से मिलकर के एक हो जाए। क्या जगदम्बा के स्वभाव संस्कार में बच्चों की पालना लिखी है कि नहीं? नहीं। पांच पांडवों की पालना नहीं करती है? पांच पांडव अगर पत्थर बुद्धि तमो प्रधान बन जाए, तमो प्रधान बन जाए, पुरुष जो है तमो प्रधान बन जाते हैं, पुरुष में चाहे पुत्र हो तो तमो प्रधान बनेगा ना, दुर्योधन दुशासन बनेगा ना, और दुष्ट युद्ध दुशासन बनेगा तो मां के ऊपर अत्याचार कर सकता है कि नहीं? जो काम नहीं करना है वो करेगा कि नहीं? जवानी के नशे में आकर के कर सकता है कि नहीं? कर सकता है। तो मां सहन करे या ना करे, है? या उसे छोड़ के भाग जाए, क्या करे? करे या ना करे सहन? सहन करती है ना, सहन करती है तो श्रेष्ठ। तो जगदम्बा ने क्या किया? जगदम्बा ने जो पांचों पांडव हैं उनकी परवरिश की या नहीं की? पांचों पांडवों की परवरिश की ना। पांच पांडव तो जान गए ना कौन कौन से धर्म में है, कौन कौन से धर्म में पांच पांडव हैं? ओह बड़ी बड़ी कर दी, क्या बता रहे, क्या पूछ रहे? अरे पांच पांडवों के नाम बताओ, कौन कौन से धर्म में हैं? मुखिया, इस्लाम धर्म का पांडव मुखिया है, इस्लामी धर्म, इस्लाम धर्म पांडव है। हे भगवान क्या ज्ञान लिया है? अरे उसने भी सब देख दाख के सुन सुना के बिगाड़ दिया। बताओ भाई है, पांडवों में पहला पांडव युद्ध में स्थिर रहने वाला युधिष्ठिर, क्या जिंदगी में जब तक जीना है तब तक पीना है, आदि से लेके अंत तक पीता है या शरीर छोड़ देता है घबरा के, हार्ट फेल हो जाता है? फेल होता है? हार्ट फेल नहीं होता। तो वो तो कौन हुआ है? सूर्य कहो या विवस्वत कहो या धर्म पिता सनत कुमार कहो, सनातन धर्म का धर्म पिता हुआ कि नहीं है? हा, या राम वाली आत्मा राम बाप कहो, राम बाप वाली आत्मा जो है वो बड़े से बड़ा धर्म पिता अव्वल नंबर का, अल्लाह अव्वल दीन प्रैक्टिकल में हुआ है या नहीं हुआ? हुआ ना। अच्छा उसके बाद दूसरा पांडव बुद्धि बुद्धू, बुद्धू बुद्धू क्यों कहा, बौद्धि क्यों कहा?
है, है? हाँ, भगोड़ा होगा या डटा रहने वाला होगा, युद्ध में स्थिर रहेगा या भाग जाता है। यज्ञ के आदि में कोई भाग खड़ा हुआ? अरे ओम मंडली में कोई भाग खड़ा हुआ कि नहीं? हाँ तो पता है ना, तो जो भाग खड़ा हुआ वो बुद्धि बुद्धू। क्यों भाग खड़ा हुआ? अरे दुश्मनों ने हमला किया तो महात्मा बुद्ध ने क्या किया, भाग खड़ा हुआ कि नहीं? हाथ खड़े कर दिए, है त्रायमां, जो कुछ हमारे पास है, तन मन धन बीवी बाल बच्चे, वो सब तुम भले ले लो कब्जे में, हमको छोड़ दो। तो बताओ बुद्धू है या उसको होशियार कहें? बुद्धू हुआ ना, है? और देखो अभी हिंदुओं ने और सारी दुनिया के जो भी लोग हैं विदेशी, उन सब ने महात्मा बुद्ध को भगवान मान लिया कि नहीं? है, अच्छा किया। भगवान ऐसा होता है, शरणागत वत्सल नहीं होता है, शरण में आए हुए की रक्षा नहीं करता है। गीत तो बनाए हुए हैं, हिंदू भी गाते हैं, शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवान। वाह भैया, अरे जहां दया वहां तहां धर्म है, है? दया नहीं है तो धर्म किस बात का? धर्म पिता किस बात के बन के बैठ गए महात्मा बुद्ध, है? और भगवान बन के बैठ गए। देखो दुनिया में एक ही भगवान है इस नरक की दुनिया में, क्या ये 2500 वर्ष की नरक की द्वैतवादी दुनिया है ना? जब से इब्राहिम इस्लामी बौद्ध क्रिश्चियन आए तो दो दो धर्म दो दो राज्य शुरू हुए ना, द्वैतवादी दुनिया हुई ना। तो इस द्वैतवादी दुनिया में वो महात्मा बुद्ध को बस हिंदुओं ने भगवान माना, भले दूसरे धर्म वालों ने भगवान नहीं माना, लेकिन धर्म पिताओं के बीच में सबसे जास्ती अहिंसावादी कौन से धर्म पिता को माना? विदेशियों ने माना कि नहीं माना? हाँ विदेशियों ने माना। तो देखो हिंदुओं ने तो भगवान मान के बैठ गए। बाप कहते हैं उसे भगवान नहीं कहा जा सकता, भगवान वो है कि बच्चों में कोई शैतान भी होते हैं और बच्चों में कोई कैसे होते हैं, हाँ अच्छे भी होते हैं, है? इंसान भी होते हैं, इंसानियत में रहने वाले। तो जो इंसानियत में रहने वाले बच्चे हैं वो वास्तव में उनको कहेंगे पंडा के बच्चे, पांडव ऊंचते ऊंच है, ऊंचते ऊंचे स्थान की यात्रा कराने वाला पंडा कौन? शिव बाप ऊंचते ऊंच परमधाम आत्मलोक में ले जाता है ना, आत्मिक स्थिति में। तो ऊंचते ऊंच तो वो हुआ, तो जो ऊंचते ऊंच पंडा शिव है, हाँ वो शिव किसमें आता है? है साकार तन में आकर के पंडा बनता है ना, तभी तो ले जाएगा तीर्थ तीर्थ यात्रा ऊंचते ऊंच करने के लिए। तो बताया वो आता है ऊंचते ऊंच पंडा, तो वो ऊंचते ऊंच यात्रा कराने वाला है, लेकिन वो ऐसे नहीं है कि षष्ठी रूपी रंगमंच पर आता है तो जो आसुरी बच्चे हैं उनका मुकाबला नहीं करेगा, और जिस बच्चे में आता है और सारी दुनिया अगर उसकी ग्लानी करने लग पड़े तो उसकी सुरक्षा करेगा कि नहीं? हाँ करेगा ना, तो सुरक्षा करता है तो फिर लड़ाई लड़नी पड़ेगी ना असुरों से। हाँ तो विकराल रूप धारण करता है रुद्र, रुद्रावतार, रुद्र माने भयंकर रूप धारण करता है, लेकिन निराकार है, कैसे भयंकर रूप धारण करेगा? वो निराकार है, साकार में प्रवेश करके ऐसा ज्ञान सुनाता है जो ब्रह्मा कुमारी अभी गाती थी, अभी नहीं गाती। गूंजी विनाश की वाणी फिर भी कितनी कल्याणी, कल्याण का काम किया हो निराकार शिव ने रुद्र का रूप धारण करके, के अकल्याण का काम किया, सृष्टि का कल्याण का काम किया ना। तो देखो
वो बाप बाप ही क्या जो आसुरी बच्चों को कंट्रोल में न करे, उसे बाप कहेंगे नहीं। बाप वो जो जो श्रेष्ठ बच्चे हैं उनकी रक्षा करे। गीता में भी क्या लिखा हुआ, विनाशाय च दुष्कृतम, जो साधु संत हैं उनकी पालना करता है कि नहीं, पालना करता है। तो देखो दूसरा पांडव हुआ है, किसको कहेंगे, कौन हुआ ब्राह्मणों की दुनिया में, किसको कहेंगे, दादा लेखराज को कहेंगे, दाढ़ी मूछ वाले को, हुआ ना। अच्छा ये दूसरा पांडव हुआ, तीसरा पांडव कौन सा हुआ, दादा लेखराज को दूसरा पांडव कहेंगे है? वो भाग खड़ा हुआ है कि भागने के बाद भी लड़ाई लड़ रहा है, भाग खड़ा हुआ, शरीर छोड़ दिया, बीवी बाल बच्चों को भी छोड़ दिया है, लेकिन भागने के बाद भी वो आत्मा लड़ाई लड़ रही है कि छोड़ दी, लड़ाई लड़ रही है ना। तो ये तो नहीं कहेंगे कि वो भगोड़ा हो गया एकदम, हुआ नहीं हुआ तो क्या कहेंगे उसे है? अरे राक्षसों को मारने वाला बनता है या नहीं बनता है, धर्मराज का रूप धारण करता है कि नहीं धारण करता है, नहीं धारण करता, हा धर्मराज का रूप भी धारण करता है, दंड देता है ना, किनको दंड देता है, अरे उन्हीं बच्चों को दंड देता है जिन्होंने बहुत अत्याचार किए, भाई बहनों के साथ भी अत्याचार किए और फिर बाप को भी माता पिता को भी दुख दिया होगा कि नहीं दिया होगा, नहीं दुख दिया, हाँ उनको भी दुख दिया, तो जो दुख दिया है अंतिम जन्म में उसका हिसाब किताब कब पूरा करेगा है? इसी जन्म में करेगा कि अगले जन्म में करेगा, इसी जन्म में पूरा करता है। सूक्ष्म शरीर धारण किया है तो सूक्ष्म शरीर से वो प्रवेश करके हिसाब किताब तो पूरा कर सकता है कि नहीं, तो किस में प्रवेश करता है, है हा जगदम्बा में प्रवेश करता है, और जगदम्बा में प्रवेश करके है मारा मार काटा काट। जगदम्बा जब महाकाली का रूप धारण करती है तो सारी दुनिया को, जो सारी दुनिया में राक्षस भरे पड़े हैं उनको खलास करती है कि नहीं है, तो जो फिर किसी को छोड़ती है कि नहीं, किसी को, एक ही है बाप का बड़ा बच्चा, सुप्रीम सोल बाप जो हेवनली गॉड फादर है उसका एक ही बड़ा बच्चा है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर है, जिसे सब धर्मों में मान्यता प्राप्त तो है लेकिन ये नहीं जानते कि वो प्रैक्टिकल भगवान के रूप में भी पार्ट बजाने वाली आत्मा है। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर है प्रैक्टिकल में ऊंचते ऊंच हीरो पार्टधारी वो आत्मा है, ये जानते हैं धर्म पिताएं, जानते हैं नहीं जानते। तो वो बाप आकर के सारी सृष्टि को ये ज्ञान देता है कि ये जो मेरा पहला बच्चा है सृष्टि रूपी रंगमंच पर, आदम जिसका नाम या आदिदेव जिसका नाम हिंदुओं में या क्रिश्चियंस में एडम नाम, या भारत के जो जैनी हैं उनमें आदिनाथ नाम दिया जाता है, वो एक ही व्यक्तित्व है जो शिव बाप का बड़े से बड़ा बच्चा है, है बाप ने नाम दिया उसे राम, क्या राम बाप को कहा जाता है, है पुरुष शोला है तो बाप ही बनेगा ना, हाँ राम बाप को कहा जाता है। तो बताया कि ये जो दादा लेखराज ब्रह्मा वाली आत्मा है वो धर्मराज का तो पार्ट बजा सकती है
धर्म का राजा तो बनती है, दंड तो देती है जिन बच्चों ने उन्हें दुख दिया है, हैं? या उसके बच्चों को, जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं पांडव संप्रदाय के, उनको दुख दिया ना, तो उनको दंड जरूर देता है। लेकिन उसको अपना साकार शरीर नहीं है, तो का साकार शरीर में प्रवेश करके काम करेगा कि नहीं? काम करता है। तो वो हुआ है दादा लेखराज ब्रह्मा, भीम का रूप हुआ कि नहीं? भयंकर रूप धारण कर, भीम माने भयंकर, भयंकर रूप धारण करता है कि नहीं? भयंकर रूप धारण करता है, वो भीम का पार्ट हुआ। अर्जुन कौन हुआ है? अर्जुन जो भगवान से डायरेक्ट प्रैक्टिकल में है, इंद्रियों के द्वारा ज्ञान लेता है, लेता है कि नहीं? नहीं लेता है, लेता है। प्रधान इंद्रिय कौन सी? अरे प्रधान इंद्रिय का नाम ही भूल गए, मन है। तो जो मन है, वो मन रूपी जो घोड़ा है, वो प्रधान इंद्रिय है। वो प्रधान इंद्रिय, उसको कहते हैं पुरुष रूप, उसको कहते हैं कामदेव, कहते हैं कि नहीं? तो कामदेव इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जब बाप आते हैं, तो कामदेव का भी बाप है कि नहीं? कैसे? शिव बाप आते हैं तो कहते हैं, मैं आप समान जिसको बनाता हूं, वो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर प्रधान तत्व है। कौन सा? जो मन को भी कंट्रोल करता है। एक अक्षर लिखने में कितनी देर लगती है? बुद्धि। तो वो बुद्ध रूप जो शिव नेत्र प्रवेश करता है जिस शरीर रूपी रथ में, उस शरीर रूपी रथ में वो आत्मा भी तो प्रकृति के मध्य में ही है कि नहीं? है? तो वो आप समान बनती है कि नहीं? बाप समान। सबसे नजदीक शिव बाप के नजदीक कौन है उस शरीर रूपी रथ मुकर्रर रथ में? वही आत्मा है ना। तो उस आत्मा को आप समान बनाता है, आप समान बनाता है। लेकिन वो आप समान जो बनता है, वो पुरुष रूप है, पुरुष रूप को ही अंत तक धारण करके रहता है, या माता का रूप भी एवरलास्टिंग धारण करता है। आदि में क्या था? आदि में पुरुष था कि स्त्री चोला था? क्या था? अरे पुरुष चोला था। तो आदि सो अंत, जब सारी दुनिया का विनाश होता है, तो उसे तो पुरुष चोले में रहना ही रहना है, क्योंकि शिव बाप भी प्रवेश नहीं कर सकते और दादा लेखराज ब्रह्मा की आत्मा भी प्रवेश, जो धर्मराज का पार्ट बजाने वाली है प्रैक्टिकल में, वो भी प्रवेश नहीं कर सकती। तो वो हुआ अर्जुन। अब बाप ने जो लक्ष्य दिया था, सुप्रीम सोल बाप, हेवनली गॉड फादर जब आते हैं, तो उन्होंने नाम दिया था ब्रह्म, कि भाई तुमको ब्रह्मा बनना है, परम ब्रह्म। तो लास्ट तक ब्रह्म बन के, परम ब्रह्म बन के रहा है? रहा है? कि शंकर का ही पार्ट बजाया? अरे शंकर विनाशकारी का ही प्रैक्टिकल पार्ट बजाया के मां बन के रहा? भले बीच में वो पार्ट बजाया हो, क्या दिखाया? क्योंकि बाप का बच्चा कृष्ण है ना, सुप्रीम सोल बाप के गोद का बच्चा संगमयुगी कृष्ण है ना। तो संगमयुगी कृष्ण दिखावे वाला होता है या नहीं होता है? यादव वंश में पैदा होता है कि नहीं? है? यदुवंशी है कि नहीं? विनाशकारियों का बच्चा है कि नहीं?
अरे है? तो शिव बाप भी तो यादव हुआ कि नहीं हुआ? रुद्र का रुद्र रूप धारण करके आता है कि नहीं, कि महारुद्र रूप धारण करता है? महा तो तब लगता है जब कोई नीच प्रवेश कर नीच जुड़ता है तो महाशब्द। तो रुद्र जो ऊंचे से ऊंचा आत्मा है, सुप्रीम सोल, उसके साथ उससे जो नीची आत्मा है इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर शिव के बाद, वो कौन है? शिव के बाद नीची आत्मा कौन है? आदम, राम। हाँ, तो वो राम वाली आत्मा, हाँ, वो आत्मा अगर इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर शरीर के साथ नहीं रहेगी तो काम बिगड़ जाएगा कि रह जाएगा? हाँ, न दुनिया का विनाश होगा और न कहीं दुनिया बनेगी। ये सारी दुनिया 500-700 करोड़ का विनाश नहीं होगा तो नई दुनिया बन ही नहीं सकती। बन सकती है? नहीं बन सकती, क्योंकि इस दुनिया में जो हुजूम है वो तो ये साबित करेगा, संघो शक्ति कलयुग, संगठन की शक्ति 500-700 करोड़ की वाइब्रेशन ज्यादा पावरफुल बनाएगी या एक दो आत्मा मिलकर के ज्यादा पावरफुल वाइब्रेशन बनाएगी? तो इसलिए उनका विनाश सबका जरूरी है या नहीं? विनाश होता है। तो बताया वो अर्जुन का पार्टधारी कौन उसी आत्मा हुई? दादा लेखराज, तो धर्मराज है, ब्रह्मा बाबा वाली आत्मा, 16 कला संपूर्ण कृष्ण बनने वाली आत्मा। फिर वो पांडवों में जो भारतीय, शुद्ध भारतीय कहे जाते हैं, भारत में जिनका दिल रखा रहता है, भारत में रखा रहता है ना, भारत माता कहो भारत पिता कहो, तो वो कौन है? ब्रह्मा बाबा के बाद तीसरा पांडव भारतीय है, आदि लक्ष्मी है, राम वो तीसरा पांडव है, जगदम्बा पांडव है। हा, उस पांडव को कहते हैं तीसरे नंबर का पांडव अर्जुन। क्या अर्जुन माने? जो प्रैक्टिकल में अर्जन करता है, किस बात का? ज्ञान को प्रैक्टिकल में धारण करता है, तो कौन हुआ? प्रैक्टिकल में ज्ञान को धारण करने वाला कौन हुआ? लक्ष्मी। लेकिन लक्ष्मी भी अकेली है तो संपूर्ण है, या विष्णु रूप बने, डबल बने तब संपूर्ण कही जाए? तो किससे जुड़े है? जगदम्बा से जुड़ी, और जगदम्बा स्वभाव संस्कार से पुरुष रूप रुद्रमाला का मणका है कि नहीं? पुरुष रूप आत्मा है, स्वभाव संस्कार से दबके रहने वाली है या दबा के रखने वाली है? सारी सृष्टि को दबा के रखती है, तो लक्ष्मी को भी दबा के रखती है कि नहीं रखती है? सास से जब सास बनती है, बहू की गोद आकर के भरती है, तो बहू को सास के कंट्रोल में रहना पड़ता है कि नहीं? नहीं रहना पड़ता, रहना पड़ता, नहीं तो घरवार सौंपेगी नहीं, सौंपेगी नहीं, सौंपेगी। तो लक्ष्मी प्रैक्टिकल रूप में है, वो जो आत्मा है उसको कहा ब्रह्मपुत्री। किसने? भारतवासी ब्रह्मपुत्री नदी को जानते हैं ना, कि ब्रह्मपुत्रा नाम देते हैं, लेकिन बाबा ने नाम क्या दिया? ब्रह्मपुत्रा। क्यों नाम दिया? क्योंकि लक्ष्मी भी जब तक जगदम्बा से स्वभाव संस्कार से मिलकर एक न हो तब तक वो संपूर्ण संपूर्ण बन ही नहीं सकती। तो बताया कि वो स्त्री और पुरुष का रूप मिलकर के
वैष्णव देवी बनती है। वैष्णव देवी माने डबल या सिंगल है, हाँ डबल बनती। तो जो डबल बनती है वो ही वास्तव में प्रवृत्ति मार्ग का पक्का है। विष्णु अगर सिंगल बन के रहे अलग अलग तो प्रवृत्ति मार्ग का पक्का कहेंगे? हाँ नहीं। तो प्रवृत्ति मार्ग का जो पक्का है वो अर्जुन है, है? और अर्जुन के शरीर रूपी रथ में शिव बाप प्रवेश किया तो ठीक है। अब अर्जुन वाली जो आत्मा है जिसे हम ये कहें कि मुकर्रर रथधारी है, देखो गीता में भी मुकर्रर रथ किसका दिखाया गया? अर्जुन का दिखाया गया ना। तो अर्जुन वाली आत्मा जब इस षष्ठ रूपी रंगमंच पर अनेक 84 जन्मों का पार्ट बजाती है तो इस जब नारकी दुनिया में आकर के पार्ट बजाएगी तो कौन से धर्म वाली आत्माओं को विशेष महत्व देगी? जो इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर इस्लामी आते हैं उनको महत्व देगी या बौद्धियों को महत्व देगी? है किसको महत्व देगी? पहले किसको भगाएगी? पहले इस्लामियों को भगाया या पहले बौद्धियों को भगाया? किसको भगाया? अरे सनातन धर्म की आत्माओं ने है इस्लामियों को भगाया ना भारत में से, नहीं वो इस्लामी धर्म के नारायण और नारायणी और जिनकी प्रजा जो भी बनी स्वर्ग में है, और जो कन्वर्ट हो गए इस्लाम धर्म के आने पर इस्लाम धर्म में, तो उनको सबको भगाया के रखा, भगा दिया। बौद्धियों को भी भगाया कि नहीं? बौद्धियों को भी भगाया। भगाया तो फिर उनको स्वीकार किया कि नहीं? नहीं स्वीकार किया। हा बौद्धियों को भारत में स्थान नहीं दिया। दिल्ली राजधानी में बौद्धियों का भी वर्चस्व है या नहीं है? बौद्धियों के स्तूप नहीं बने हुए हैं? नहीं बने हैं। धर्म स्थान बने हुए हैं ना, धर्म नहीं हुए। तो बताया कि सुबह का भूला शाम को अगर घर आ जाए तो भूला हुआ कहा जाता है? नहीं कहा जाता। तो यही बताया कि पहले तो उनको निकाल दिया। क्यों निकाल दिया? क्योंकि ऊपर से आने वाली जो ठेठ बौद्ध धर्म की आत्मा थी उसके कंट्रोल में आ गई है? रहना चाहिए किसके कंट्रोल में? रहना चाहिए ऊंचते ऊंच बाप जो धर्म पिता है आदम इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर हीरो पाटधारी, उसके कंट्रोल में इशारों पे चलना चाहिए कि नंबर 2 3 4 के नंबर कंट्रोल में आ जाना चाहिए। नहीं, लेकिन वो तो कंट्रोल में आ जाती है, लेकिन फिर भी पहले कौन समझेंगे? इस्लामी समझेंगे या पहले बौद्ध ही समझेंगे? समझेंगे तो बौद्ध ही, क्योंकि उनमें अहिंसा के प्रति फिर भी मान है या नहीं है? है? जब वो इस बात को समझते हैं बौद्ध, किस बात को? कि भाई काम विकार की हिंसा ही मूल हिंसा है। ये हिंसा जब तक खत्म नहीं होती तब तक कोई भी मनुष्य से देवता नहीं बन सकता। बन सकता है? नहीं बन सकता। तो बताया कि वो इस्लामी इस बात को समझते हैं पहले या बौद्ध समझते हैं? बौद्ध पहले समझते हैं। तो बुद्धिमान नरार्जुन कहा जाता है। जो भी मनुष्य मात्र है इस षष्ठी रूपी रंगमंच, चाहे इस्लामी हो बौद्धि हो क्रिश्चियन हो, मनुष्य तो मन चलाने वाले तो मनुष्य तो सभी है ना। तो उनमें बुद्धिमान कौन? जिन्होंने पहले इस बात की सच्चाई को समझ लिया। ज्यादा समझदार कौन? बौद्धि हुए ना, बौद्धि हुए तो समझदार। लेकिन उन बौद्धियों में इतनी ताकत नहीं है कि जो पहले सरेंडर हो जाए। क्यों? माया पहले सरेंडर होती है या मायापति पहले सरेंडर होता है?
है। माया सरेंडर होती है, मायापति सरेंडर नहीं होता। आदि से लेकर अंत तक वो सरेंडर होके नहीं रहता, तन से, मन से, धन से, समय संपर्क से सरेंडर होके नहीं रहता। वास्तव में तो कहा जाए स्त्री को कहेंगे माया क्या, और पुरुष को कहेंगे मायापति नहीं। तो जो माया है और माया का पति कौन है, जो माया इस्लामियों के चक्कर में आ जाती है पहले क्या चक्कर में आ जाती है, इस्लामियों के चक्कर में आती है तो विघ्नों की दीवार बन करके खड़ी हो जाती है, कहती है हमारी पूजा करो पहले से, हमारे सामने झुक जाओ। तो मुसलमान जो हैं, इस्लामी जो हैं, मस्जिद के सामने झुकते हैं कि नहीं है, दीवार खड़ी हुई होती है ना, हाँ, तो उसे दीवार के सामने खड़े होके पत्थरों की दीवार बनाते हैं, तो खड़े होके झुक जाते हैं। तो माया मौसी के सामने ये विधर्मी जो विदेशी हैं वो तो सब झुकते हैं, लेकिन कौन नहीं झुकते है, जो देवी देवता बनने वाली आत्माएं कन्वर्ट हो गई थी इस्लाम धर्म में है, वो फिर नहीं झुकती। कब, जब समझ जाती है। तो समझ कौन देता है, पवित्र आत्मा समझ देगी या पवित्र आत्मा समझ देगी है? भारतवासियों में जो हिंदू कहे जाते हैं उनमें बौद्धियों को भी हिंदू कहेंगे, सन्यासियों को भी हिंदू कहेंगे, सिखों को भी हिंदू कहेंगे नहीं, और आर्य समाजियों को भी हिंदू कहेंगे नहीं कहेंगे, हाँ ये सब हिंदू हैं। तो इन हिंदुओं में पहले पहले कौन समझदार बनता है, ज्यादा पवित्रता की पावर किसमें होती है, लक्ष्मी। अरे पांच पांडवों की बात हो रही है, सन्यासी ही है, और सन्यासियों में अव्वल नंबर सन्यासी कौन सा धर्म, अरे जल्दी लिखना चाहिए, देर देर करते हैं। बौद्धि, बौद्धि जो है वो पहले नंबर के सन्यासी हैं पांडव संप्रदाय में, नहीं है। बाबा ने मुरली में बोला था, क्या क्या बोला था, अरे किश्चियन से कुछ पहले सन्यासी निकलते हैं, ऐसे नहीं कि क्राइस्ट के बाद सन्यासी आए द्वापर के अंत में, नहीं, क्राइस्ट से पहले ही सन्यास धर्म शुरू हो जाता है। माने बौद्धियों में सन्यास धर्म पहले शुरू हुआ कि नहीं, बौद्धि लोग जब सन्यासी बनने लगे हैं तो फिर उनमें व्यभिचार फैल गया, उन्होंने अपनी पत्नियों को ध्यान नहीं दिया हैं, और स्तूप बनाए और उनमें स्त्री पुरुष इकट्ठे रहने लगे हैं, स्त्रियों का ध्यान नहीं दिया, स्त्रियों को स्त्री समझ करके कि भाई हम हिंसा नहीं करेंगे कोई, तो क्या हुआ, उन्होंने ऐसा करना जो है श्रेष्ठ समझा, गहराई तक ज्ञान के नहीं समझते हैं। तो फिर बाबा ने तो मुरली में क्या बोला, अपनी स्त्री को अपने कंट्रोल में रखना चाहिए कि नहीं है, रखना चाहिए ना, तो नहीं रखा। तो बताया वो पहले सन्यासी बनते हैं बौद्धि, सन्यासी तो बाद में आते हैं शंकराचार्य आदि शंकराचार्य। तो बताया कि जो बौद्धि है वो तीसरे नंबर के भारतीय है, क्या पहले नंबर के भारतीय है वो जो आज सनातन देवी देवता धर्म के पक्के हैं और 82-83 जन्म तक भी सुखी रहते हैं, और दूसरे नंबर के हैं वो जो 84 जन्म पूरे तो सुख में नहीं रहते, वो क्या नाम सुख में नहीं रहते हैं, लेकिन फिर भी
उनके 40-50 वर्ष कम होते हैं कि नहीं? 50 वर्ष किनके? चंद्रवंशियों के 40-50 वर्ष कम हो जाते हैं। पूरे 84 जन्म नहीं गएंगे, लेकिन कुछ न कुछ कम हुए ना। और उसके बाद किसको कहें? बौद्धियों को। तो जो बौद्ध हैं, वो बौद्ध धर्म का जो नारायण है सतयुग में तो आता है, और जब द्वैतवादी द्वापर युग नारकीय दुनिया शुरू हो जाती है नरों की बनाई हुई, तो उस दुनिया में वो दूसरे नंबर का धर्म पिता है। क्यों दूसरे नंबर का बना? क्योंकि पहला नंबर तो माया ले जाती है, और माया के साथ माया का पति जो है वो बड़ा ही ले जाता है कि नहीं? वो पावरफुल धर्म पिता है। तो बताया कि जो सेकंड नारायण है सतयुग का, या विष्णुलोक से गिनेंगे तो तीसरा नारायण है ना। तो जो तीसरा नारायण है वो तीसरा नारायण इस्लाम धर्म का हुआ। अगर सतयुग में गिने 16 कला संपूर्ण नारायणों से तो दूसरे नंबर का नारायण। तो वो दूसरे नंबर का नारायण में दूसरे नंबर का धर्म पिता दुनिया का प्रवेश करता है। कौन है? नारकीय दुनिया में प्रवेश करता है। कौन? द्वैतवादी दुनिया में प्रवेश करता है। इब्राहिम इस्लामी। हाँ, तो जो पहले आएगा वो ज्यादा पावरफुल होगा ना, नहीं होगा? हाँ, और उसके प्रभाव में कौन आ जाती? पहले प्रभाव में नारायण आता है या नारायण ही आती है? है? स्त्रियां ज्यादा सुनी सुनाई बातों पे ज्यादा विश्वास कर लेती हैं, या पुरुष पहले ज्यादा विश्वास करता है? है? नारायणी। तो सेकंड नंबर की जो नारायणी है, 16 कला संपूर्ण सतयुग जब से बनता है तो उसमें सेकंड नंबर का नारायण 14 कला बनता है। वो द्वैतवादी द्वापर युग जब नरक की दुनिया नरों की बनाई हुई शुरू होती है, तो उस दुनिया में वो नारायणी वाली आत्मा जिसमें स्वभाव संस्कार से ही है, ये संस्कार भरा हुआ है पुरुषोत्तम संगम युग से ही, क्या कि ब्रह्मा बाबा की गद्दी अगर लूंगी तो सबसे पहले मैं लूंगी। क्या विश्व किशोर को लेने देगी? विश्व किशोर को नहीं लेने देगी। विश्व किशोर तो पहले ही शरीर छोड़ जाता है। क्या? हाँ, ब्रह्मा बाबा का जो राइट हैंड था ना, उसने शरीर छोड़ दिया। तो देखो उसमें ये जो संस्कार भरे हुए हैं है, वो संस्कार वो सृष्टि के आदि से ही भरे हुए। क्या? कि वो पदमान मर्तव्य को पहले लेना चाहती और किसी को लेने नहीं देती। इसलिए बौद्ध धर्म वालों को भी लेने देती है? नहीं लेने देती। तो बौद्ध धर्म वाले हैं तो समझदार, लेकिन समझदार होने के कारण भी के आधार पर भी फिर भी कमजोरी आ जाती है और काम विकार के चंबे में फंस जाते हैं, कामियों के चंबे में फंस जाते हैं। और जब कामियों के चंबे में फंस जाते हैं तो नंबर नीचे हो जाएगा कि ऊंचा हो जाएगा? है? नीचे नंबर चला जाता है। तो बताया तीसरे नंबर का पांडव हुआ अर्जुन। है? बुद्धिमान नर अर्जुन तो है कि नहीं? बुद्धिमान तो है, लेकिन बुद्धिमान होने के साथ साथ फिर इंद्रियों पर कंट्रोल करने वाला भी तो होना चाहिए। है? पुरुष रूप है या स्त्री चोला है? क्या है अर्जुन? पुरुष है कि स्त्री चोला है? पुरुष रूप है। तो पुरुष कंट्रोल कर पाता है? पुरुष नहीं कंट्रोल कर पाता। तो अर्जुन का साथ देने वाली जो और समझदार है, प्रैक्टिकल में समझदार, वो इंद्रियों को कंट्रोल कर लेती है। कौन है? जो सेकंड नारायणी है वो कंट्रोल करेगी या नहीं करेगी? है, वो कंट्रोलर होती है। तो बताया ऐसे ही सेकंड नारायणी को भी जो मान मर्तबा मिलता है फर्स्ट नारायणी से मिलता है कि नहीं? है? तो
तो वो ही बताया कि जो लक्ष्मी है वो ज्यादा समझदार कहेंगे प्रैक्टिकल जीवन में या नारायण को ज्यादा समझदार कहेंगे। जो समझता तो बहुत है, बुद्धि तो तीखी है, बुद्धिमान नर अर्जुन तो है, लेकिन बुद्धिमत्ता ज्यादा है अपने को बुद्धि समझने से ज्यादा है अच्छी बात है या अहंकार की बात है? अहंकार की बात है। देखो गीता में भी लिखा हुआ है क्या, इंद्रियाणि परान्या, इंद्रियां बड़ी प्रबल है, इंद्रियों से प्रबल मन है, मन से भी प्रबल बुद्धि। कौन सी बुद्धि है? सुप्रीम सोल की नहीं, वही अर्जुन जो बुद्धिमान नर अर्जुन कहा जाता है, वही आदम, वही अर्जुन, वही आदिदेव, तुम आदिदेव है, पुरुष है, पुराण है, वही शंकर वाली आत्मा है। बुद्धिमानों की बुद्धि तो है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर, हीरो पार्टधारी तो है, लेकिन उससे भी ऊंचा कोई है या नहीं? उसको भी अकल देने वाला कोई नहीं है? सुप्रीम सोल। तो सुप्रीम सोल को वो भूलती है और अपने अहंकार में अंतिम जन्म में आ जाती है। तो अहंकारी पक्षियों में बहुत अहंकारी पक्षी कौन सा होता है? बहुत काव 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 करता है, बहुत बोलता है और अपना हुजूम ढेर सारा इकट्ठा कर लेता है। कौआ, जो कौआ है ना, बहुत काव काव करता है, जैसे ये आर्य समाजी है, जैसे आर्य समाजियों की गवर्नमेंट प्रजातंत्र गवर्नमेंट, बहुत भाषणबाजी करते हैं कि नहीं, बोलते बहुत है ना। तो बताया ये बोलना करना, ये बोलने से भी परे जाने वाली अवस्था ऊंची होती है, वानप्रस्थ अवस्था ऊंची होती है, या बोल बोल करने वाली अवस्था ऊंची होती है। तो बाबा ने मुरली में बता दिया, सबसे अच्छी चुप। क्या कहा? बहुत बोल बोल करना अच्छी बात है या शांत रहना, चुप रहना अच्छी बात है? चुप रहना अच्छा है, हर हालत में चुप रहना अच्छा है। अंदर अंदर मनन चिंतन मंथन चले, मन के बुद्धि के वाइब्रेशन दुनिया में ज्यादा काम करेंगे कि बोल बोल करने के वाइब्रेशन ज्यादा काम करेंगे? है? मन बुद्धि के वाइब्रेशन ज्यादा काम करते। तो यही बताया, जो अर्जुन है वो फिर भी प्रैक्टिकल जीवन में फेल हो जाता है या पास हो जाता है, क्या कहेंगे? बुद्धिमान नर अर्जुन महात्मा बुद्ध भी फेल कहेंगे। महात्मा बुद्ध का जो चेहरा है ना, वो कौन सी आत्मा का चेहरा है? देवात्मा का चेहरा है कि जो देवात्मा बनती ही नहीं है, महात्मा बुद्ध ऊपर से आता है, उसका चेहरा है? देवात्मा का चेहरा है ना। तो बताया वो देवात्मा भी स्वभाव संस्कार से स्त्री चोले के रूप में विशेष है प्रैक्टिकल जीवन धारण करने वाली, या पुरुष रूप में है? स्त्री चोले के रूप में। तो भारत माता माता है तो बच्चियों को प्रेफरेंस देगी या नहीं देगी? है? माता बच्चियों को प्रेफरेंस देती है, ज्यादा प्यार करती है, क्योंकि समझती है माता कि बच्ची तो पराए घर में चली जाएगी, तो ज्यादा प्यार देती है ना, नहीं देती? हाँ प्यार देती है। तो बताया कि श्रीमत जो है वो एक की श्रीमत नहीं है, डबल है। श्री श्री श्रीमत माने श्री लक्ष्मी को कहा जाता है, और डबल श्री किसको कहें? है जो उसमें आके जुड़ती है, किसको कहें? जगदम्बा। तो जगदम्बा आके मिलती है तो उसको कहते हैं वैष्णो देवी। विष्णु देवी ये दो मिलकर के जो मत देती है, वो कन्याओं माताओं की मित सबसे श्रेष्ठ है, या पुरुष चोले के मुख से मत दी जाए वो श्रेष्ठ है? क्या श्रेष्ठ है? बाबा ने नियम क्या बनाया?
शिव बाबा ने नियम बनाया कन्याओं माताओं के मुख से ज्ञान सुनना अच्छी बात है, क्योंकि पवित्रता की धारणा कन्याओं माताओं में ज्यादा होती है, पुरुषों में इतनी धारणा नहीं होती है। इसलिए बहुत करें तो पुरुष पुरुषों को सुना सकते हैं, क्या सुनाए तो अच्छा है। और पुरुष अगर किसी कन्या को या नौजवान माता को सुनाने लग पड़ेंगे और वो कहीं सकल सूरत में सुंदर हुई तो फंस मरेंगे कि नहीं मरेंगे, फंस सकते हैं कि नहीं समझ सकते, फंस सकते हैं। तो इसलिए बताया बताया कि पुरुष जो है उसको श्री नहीं कहा जाता। श्री का टाइटल लक्ष्मी का है या पुरुष का है? पुरुष का नहीं। वो पुरुष का टाइटल तो तब है जब सुप्रीम सोल शिवा आकर के प्रवेश करते हैं, और प्रवेश भी करते हैं तो ऐसे नहीं कि एक को ही पद दे देते हैं, नहीं दो को साथ साथ पद देते हैं कि एक को दे देते हैं है? एक को पद नहीं दे देते हैं, ये कहते हैं नारायण को याद करना सबसे अच्छी बात है, सबसे अच्छा पुरुषार्थ है। लेकिन वर्षा दोनों को इकट्ठा देते हैं या एक को देते हैं एक को नहीं देते है? बाप भी कहता है शादी करोगे तो वर्षा मिलेगा, शादी नहीं करोगे हमारा वंश परंपरा नहीं चलाओगे तो तुम्हें वर्षा नहीं मिलेगी। सच्ची बात है कि झूठी बात? भाई हमारे लिए तो सच्ची बात, हमारे बाप ने तो क्या, ये जो शरीरधारी है इसके बाप ने तो साफ साफ कह दिया शादी करो तो इस घर में रहो सारी संपत्ति तुमको मिलेगी है, नहीं करोगे भले रास्ता ना हो। तो देखो ये परंपरा कहां से चली सनातन धर्मियों में कि बच्चा अगर शादी करता है वंश वृद्धि करता है तो बच्चा, अगर वंश वृद्धि नहीं करता है तो बच्चा बच्चा। ओम शांति। श्रेष्ठ बनते हो या डबल श्रीमत से श्रेष्ठ बनते हो? हाँ डबल कौन कौन है? डबल कौन कौन? लक्ष्मी नारायण दोनों मिलेंगे तब डबल श्रीमत होगी।